तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर बनेगा, तो आप देख सकते हैं वो बन भी चुका है। और इस समय आप देखें कि लो प्रेशर की जो स्थिति है वो लगभग इस जगह बनी हुई है। आप देखें कि मॉइस्चर का जो फ्लो है ये इसकी तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है वो बंगाल की खाड़ी से यहाँ से आकर इसके आसपास घूमेगा, जिससे कि इसका जो अफेक्ट रहेगा खास तौर पर वो पूर्वी भारत के इलाकों पर ही रहेगा, यानी देश के जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों को ये अफेक्ट नहीं करेगा। वजह यह है कि आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्मल फेनोमेना होता है सिस्टमों का वो पूरब से यानी कि यहाँ से इस दिशा की तरफ रहता है, पर लेकिन जब जो पश्चिमी हवाएं होती है वो अपर एल्टीट्यूड पर काफ़ी प्रभावी होती है, तो उनकी वजह से क्या होता है कि ये सिस्टम आगे मूव नहीं कर पाते और ये जहाँ पर बने हुए हैं यहीं पर ही ये रिकर्व करने लगते हैं और एक ही जगह पर बने बने ही ये निष्प्रभावी हो जाएंगे। पर इसका कुछ अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा पूर्व भारत के इलाकों पर और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर। इन भागों पर इसकी वजह से कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना आज भी रहेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान भी इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश हुई है और आज भी इन भागों पर कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। सभी जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून देश के राज्यों से अब वापसी की राह पर निकल चुका है और इसने उत्तर भारत के लगभग तमाम इलाकों से वापस लौट चुका है और अगले जो 5 से 10 दिन रहेंगे यानी 15 अक्टूबर तक मानसून पूरे देश से वापस लौट जाता है। ये इसकी नॉर्मल डेट होती है, पर लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि ये लगभग अगले 5 से 7 दिनों के दौरान काफ़ी तेज़ी के साथ पीछे हटेगा और देश के कई अन्य जो राज्य रहेंगे उन भागों से भी पीछे हटकर उन भागों से भी चला जाएगा। फिलहाल दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि अब जल्द ही बंगाल की खाड़ी साथ ही अरब सागर एक्टिव होने वाले हैं और हमें ऐसा लगता है कि 10 या 11 अक्टूबर के आसपास अरब सागर पर एक लो प्रेशर बनेगा जो पश्चिम की तरफ मूवमेंट करेगा और ओमान की तरफ जाएगा। उसके बाद एक और सिस्टम बनने की संभावना है जिसके प्रभावशाली होने के आसार लग रही है, और अगर वो साइक्लोन बनता है तो वो किन इलाकों को हिट करेगा उसके बारे में अभी बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो उसके ट्रैक के बारे में और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं विस्तार के साथ कि कहां कहां पर इस समय बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, 5 अक्टूबर का ये मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर की वजह से यहाँ पर बिहार के इलाकों पर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और साथ ही साथ जो हमारे जो उड़ीसा के उत्तरी इलाके रहेंगे इन भागों पर ये अफेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको कुछ बारिश देखने को मिलेगी। हल्के से मध्यम बारिश होगी यानी लाइट टू मॉडरेट रेन इन भागों पर होने की संभावना रहेगी, और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर यहाँ कुछ समय के लिए भारी बौछारें भी आपको देखने को मिल जाए। पर लेकिन चूंकि मानसून अब वापस लौट रहा है इसलिए जिसमें जो ताकत होती है वो उसकी काफ़ी कम हो चुकी है, इसलिए सिर्फ लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना इन भागों पर अधिक रहेगी। इसी के साथ जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके रहेंगे इन भागों को भी ये अफेक्ट करेगा और यहाँ पर आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के इलाकों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें आपको आज देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के इलाकों पर एक WD आया है जिसकी वजह से सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाकों को ही ये प्रभावित करेगा, खास तौर पर जो लद्दाख का इलाका रहेगा इन भागों को ये अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम इतना प्रभावशाली नहीं है इसलिए ये सिर्फ पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर को ही प्रभावित करेगा, बाकी अन्य जो इलाके रहेंगे उन भागों को ये प्रभावित नहीं करने वाला। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम इलाके, राजस्थान के तमाम इलाके, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी जिससे कि इन भागों पर कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी और यहां पर लगातार मौसम साफ बना रहेगा। पर लेकिन हम आपको बताएं कि एक कमज़ोर सर्कुलेशन था जो कि मिडल ट्रांसफरिक लेवल पर बना हुआ था जो यहाँ राजस्थान के इलाकों पर था, जिसकी वजह से कल हरियाणा के कुछ इलाकों पर हल्की एक्टिविटी हुई थी, खास तौर पर जींद और आसपास के इलाकों पर ये गतिविधि आपको देखने को मिली थी, बाकी जो अन्य इलाके थे उन भागों पर कोई खास अफेक्ट उसका नहीं हो पाया। फिलहाल आप देखें कि पश्चिम तटीय इलाकों पर भी मॉइस्चर का फ्लो अभी भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ से मॉनसून वापस नहीं लौटा है, इसलिए यहाँ पर आपको आज हल्की बारिश देखने को मिलेगी और मुंबई से लेकर केरल तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। पर लेकिन दक्षिण भारत के इलाकों पर अब मॉनसून इन भागों से तो वापसी कर रहा है, पर लेकिन जब मॉनसून वापस लौटता है तो उत्तर पूर्वी मॉनसून का आगाज दक्षिण भारत पर होता है। इन भागों पर आप देखिए कि पहले से ही इन भागों पर बारिश की जो गतिविधियां है वो अब बढ़ने लगी है, इसलिए तमिलनाडु पर कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, वहीं जो
आंतरिक कर्नाटक, साथ ही जो इसके तटीय कर्नाटक वाले इलाके रहेंगे यहाँ पर भी कुछ गतिविधियाँ होने की संभावना आज रहेगी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको उन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। हमारे देश के अन्य इलाके रहेंगे, सिर्फ पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत को छोड़कर अन्य इलाकों पर कोई खास गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं रहेगी। वीडियो के आखिर में हम आपको ये बता दें कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समय में और अक्टूबर के लगभग अंतिम सप्ताह से WOD की जो फ्रिक्वेंसी रहेगी और इनकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि जब धीरे धीरे जब 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 सूरज दक्षिण की तरफ मूवमेंट करता है तो जो वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ निकल जाते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। यानी पहले जो WOD चाइना और रशिया को प्रभावित कर रहे थे वो फिर भारत को प्रभावित करते हैं, और अक्टूबर से लेकर फरवरी के दौरान ये WOD आते हैं और ख़ास तौर पर दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी प्रभावशाली होती है, और उसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर भारी बारिश और मैदानी इलाकों पर तेज़ बारिश आपको देखने को मिलती है। पर अभी फ़िलहाल अगले एक सप्ताह तक ऐसा कोई WOD आने की संभावना नहीं है जो कि पहाड़ी इलाकों पर बारिश दे और मैदानी इलाकों पर भी वो बारिश दे सके। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।